बच्चों यार आवाज आ रही है आप लोग को? गुड यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, इंग्लिश ग्रामर की बुक गुड मॉर्निंग निकाली मैम। है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाली है। गुड मॉर्निंग चंद्राक्ष। ग्रामर की बुक निकालिए बेटा। मैम हमने निकाल दिया। ठीक है, आप लोग कल क्यों नहीं आए थे? क्या अविका और चंद्राक्ष, कल आप लोग क्लास में क्यों नहीं आए थे बेटा? हाँ, सो रहे थे। अच्छा, अपने गाँव गई थी। चंद्राक्ष आप क्या कर रहे थे? मम्मी के फोन में ना मेरा अच्छा खत्म हो अच्छा गया था। आपको फोन की प्रॉब्लम थी। ओके, कोई बात नहीं। आप लोग कोशिश किया करिए कि रेगुलर क्लास किया करिए ना। हम लोग का ग्रामर में 14th चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 15th चैप्टर पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 50 पर सबको मिल गया चैप्टर नंबर 15। चंद्राक्ष, यस आपको मिल गया? मैम। चलिए, तो चैप्टर नंबर 15 में क्या है? इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर। इन, ऑन, अंडर, ओवर और नियर। तो इन मतलब क्या होता है? इन मतलब में। इन मतलब क्या होता है? में। ऑन मतलब पर, और अंडर मतलब अंदर, ओवर मतलब ऊपर, और नियर मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? बताइए, नियर कौन बताएगा? वेरी पास गुड, नियर मतलब पास। पास हाँ, नियर मतलब पास। तो ये जो पिक्चर है, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। दोनों लोग के पास बुक है ना? मैम। हाँ, तो फर्स्ट वाले जो पिक्चर है उसमें क्या हो रहा है बताइए? जो पहला वाला जो फोटो है, द बॉय इज राइटिंग हाँ ये इन वाला। दिस नोटबुक, द लैंप इज किट ऑन द टेबल। हाँ, द बॉय इज राइटिंग इन हिज नोटबुक। हाँ, द लैम्प इज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पे इन मतलब क्या है? द बॉय इज राइटिंग इन हिज नोटबुक। तो इन मतलब हमने आपको बताया था में। तो बॉय किस में लिख रहा है? अपनी नोटबुक में, है ना? तो बॉय जो है वो नोटबुक में लिख रहा है। फिर द लैम्प इज केप्ट ऑन द टेबल। अब यहाँ ऑन मतलब हमने आपको क्या बताया था? पर, ना? तो द लैम्प इज केप्ट ऑन द टेबल। तो लैम्प जो है वो कहाँ पर है? लैम्प कहाँ पर है? नोटबुक पर है। द लैम्प इज टेबल पर गुड, द लैम्प इज केप्ट ऑन टेबल। तो जो लैम्प है वो टेबल पर रखा हुआ है। फिर द गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री। द गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री। लड़की हाँ, छांव में बैठी है, पेड़ पेड़ के के नीचे। नीचे बैठी है ना? लड़की कैसे बैठी है? पेड़ के ऊपर बैठी है। नीचे हाँ, बैठी है। तो अंडर का मतलब होता है के नीचे। तो लड़की जो है वो पेड़ के नीचे बैठी है। अ बर्ड इज फ्लाइंग
flying over the tree. A bird is flying over the tree. तो जो bird है वो कहाँ पर है? Bird दिख रहा है? ऊपर. हाँ, तो जो bird है वो पेड़ के ऊपर है. है, पेड़ के ऊपर उड़ रही है. हाँ, तो over मतलब ऊपर, के ऊपर. अब third वाला क्या है? A cow is grazing near the tree. A cow is grazing near a tree. तो cow जो है वो graze कर रही है कहाँ पर? Near the tree. Tree के ऊपर? Cow जो है tree के ऊपर चल रही है. तो मतलब वो पास में घास खा रही है. Near मतलब पेड़ के पास, है ना? Yes, ma'am. अब यहाँ पर देखिए, the word in, on, under, over and near tell us the position of things. They are called position words. Position words are also called prepositions. आप इसको आगे की क्लासेस में, मतलब जब और बड़े क्लासेस में जाओगे तो इसको आप प्रीपोजिशन के नाम से पढ़ोगे. और लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इनको? पोजिशन वर्ड बताया जा रहा है. क्या बताया जा रहा है? पोजिशन वर्ड. पोजिशन मतलब क्या होता है बताइए? पोजिशन मतलब किसी चीज की पोजिशन ना, कि वो किस पोजिशन में है, किस अवस्था में है, कि ऊपर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है ना, कि पास में है ना. तो ये जो वर्ड्स होते हैं इन, ऑन, अंडर, ओवर एंड नियर. अब आप लोग बोलिए ये वाला, पूरे वर्ड्स बोलिए. इन बोलिए, ऑन, अंडर, ओवर एंड नियर. नियर इन मतलब क्या होता है? इन मतलब, इन मतलब ने ना? ने. हाँ, ऑन मतलब, ऑन मतलब क्या होता है? पर. ऑन मतलब पर. अंडर मतलब नीचे, अंदर नीचे. वेरी गुड, वेरी गुड. ओवर ऊपर. ओवर मतलब ऊपर. ग्रेट. और नाइस मतलब, सॉरी, नियर मतलब पास. पास. तो चंद्राक्ष, आप क्यों नहीं बोल रहे बेटा? क्या हुआ चंद्राक्ष, समझ में आ रहा आपको? हाँ, इन मतलब क्या होता है चंद्राक्ष, बताइए? इन मतलब क्या होता है? में होता है ना? यस. इन मतलब में होता है ना चंद्राक्ष? और ऑन मतलब पर होता है. क्या होता है ऑन मतलब? पर, है ना. अंडर मतलब अंदर, अंदर की तरफ, है ना. अंडर मतलब अंदर की तरफ. बोलिए. हाँ. ओवर मतलब, ओवर मतलब ऊपर. ऊपर. बोलिए. हाँ. नियर मतलब पास. पास. फजबीर, आपको क्या हुआ बेटा, आप भी नहीं बोल रहे? अच्छा, फजबीर का लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, वो हट गया. फजबीर, व्हाट इज गोइंग ऑन बेटा, आप क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे? फजबीर, आई एम आस्किंग टू यू बेटा. मैं अब थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो रहा है. ओके, कोई बात नहीं. लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है ना, इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर हम लोग पढ़ रहे हैं. इन मतलब होता है में, ऑन मतलब होता है पर. जैसे अभी आपने देखा ऑन द टेबल. और अंडर मतलब होता है नीचे,
जैसे अंडर द ट्री, और ओवर मतलब होता है ऊपर, जैसे जो बर्ड थी वो ओवर द ट्री उड़ रही थी ना, और नियर मतलब होता है निकट या पास, जैसे कि वो जो काउ थी वो घास के या फील्ड जो ट्री के निकट नियर जो है वो ग्रेजिंग कर रही थी। तो नियर मतलब क्या होता है फजीर बताइए? नियर मतलब क्या होता है बताइए? वेरी गुड। तो द वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, ओवर एंड नियर टेल्स अस द पोजीशन ऑफ थिंग्स, दे आर कॉल्ड पोजीशन वर्ड्स। तो पोजीशन वर्ड क्या है? इन, ऑन, अंडर, ओवर एंड नियर। इसलिए पोजीशन वर्ड्स है क्योंकि ये हमें लोगों की और चीजों की पोजीशन बताते हैं, है ना? तो पोजीशन वर्ड क्या है बताइए, कौन बताएगा? व्हाट आर द पोजीशन वर्ड्स, कौन बताएगा? इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर। एक ही है भैया, नहीं नहीं हमें नहीं दिए। क्या है पोजीशन वर्ड्स? इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर। वेरी गुड। और इनको और भी क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशंस भी कहा जाता है ना? यस मैम। चलिए चंद्राक्ष, आप एक सेंटेंस बताइए इन, एन, अंडर, ओवर, नियर, किसी का भी यूज करके कोई एक सेंटेंस बताइए। बताइए बेटा। क्या हुआ चंद्राक्ष, कौन बताएगा? कोई और बताए, चंद्राक्ष नहीं बता पा रहे तो कोई भी बता दे। अविका, फजबीर। हाँ बताइए फजबीर। हाँ बताइए अविका। There are robins in Priya's hair. हाँ लेकिन अपने आप बताइए ना, अपने वर्ड्स में कुछ भी बताइए, जैसे कि the pencil is on the table, या फिर cat is under the chair, है ना? या फिर the bird is over the house, है ना? The bird is flying over the house. जो चिड़िया है वो घर के ऊपर है, और बिल्ली है जो वो चेयर के नीचे है, और नियर करके बताइए कोई भी एक एक सेंटेंस बताइए आप लोग नियर करके। पास, क्या चीज पास है आपके स्कूल के पास? क्या है बताइए, स्कूल के पास क्या चीज दिखती है? नियर पावर हाउस। वेरी गुड, बहुत अच्छे अविका। तो माय स्कूल इज नियर पावर हाउस, है ना? तो ऐसे ही नियर, अंडर, ओवर और इन, ऑन करके वर्ड्स बनेंगे। अब एक्सरसाइज दिख रही है पेज नंबर 51 पर। Underline the position words in these sentences. Use the pictures as clues. अब जो position words हैं उनको आपको underline करना है, बताना है। कैसे बताना है? ये जो pictures हैं इनका use करते हुए, इन pictures में जो जो चीजें हो रही है इसको clue की तरह use करिए, और इन वर्ड्स को अंडरलाइन करिए जो पोजीशन वर्ड है, जो पोजीशन बता रहे हैं। देयर आर रिबन्स इन प्रियाज हेयर, यहाँ पे पोजीशन वर्ड कौन सा है बताइए? चंद्राक्ष आप कुछ बोलते ही नहीं हो बेटा। इन मैम, इन। हाँ इन जो है ये पोजीशन वर्ड है, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। अब देयर थ्री बुक्स आर
kept on the teacher's desk. यहाँ पर क्या है पोजिशन वर्ब? On. 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 Very good. On the teacher's desk. अब there is a rabbit in the hat. In. हाँ. There is a dog near the gate. यहाँ पे near. Correct. The aeroplane is flying over the field. Over. Good. Up. Circle the correct word to complete each sentence. एक वर्ड को आपको सर्कल करना है जो कि ये कंप्लीट करेगा आपके सेंटेंस को. करेक्ट जो वर्ड है उसी को करना है और उसको सर्कल कर देंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा. जैसे कीप द क्लोथ अंडर योर कपबोर्ड, तो इन को हमने हटा दिया, इन हट गया है. द कीप द क्लोथ अंडर इन योर कपबोर्ड, हाँ इनको हमने ले लिया, इन जो है वो सही है. So the bag is kept under on the chair. क्या होगा यहाँ पे? Under होगा या on होगा बताइए. The bag is kept under या on the chair. जो bag है वो कहाँ पर है? Under. हाँ तो under को हम circle कर लें. अब लुक, अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ऑन ओवर द ब्रिज. क्या होगा यहाँ पर? ओवर. द फ्रूट्स आर इन या अंडर द बैग. मैं बताऊं, हाँ फ्रूट्स का बताइए. इन द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. अब नेक्स्ट है, हाँ बेटा बताइए. मुझे मैं बताता हूँ. अच्छा, माय आंट पुट द केक इन या अंडर द ओवन. अंडर. हाँ अंडर मैम. हाँ फिर The student is standing near या over the board. Near. होगा, हाँ near होगा. समझ में आ रहा है ना ये वाला आपका position words? फिर नेक्स्ट क्या है देखिए एक्सरसाइज. नेक्स्ट पेज पर आइए. 52. पेज नंबर 52. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद इन, ऑन, अंडर, ओवर और नियर. यूज द पिक्चर्स एज क्लूज. तो ये जो पिक्चर्स है, ये सारी जो पिक्चर्स है इनको क्लू की तरह यूज करके ये जो सेंटेंस है इनको कंप्लीट करना है, इन ऑन अंडर ओवर नियर को फिल करके. बताइए जो फर्स्ट वाला है, द गर्ल इज स्टैंडिंग अंडर एन अम्ब्रेला. अब जो आपको फिल करना है वो है द माउस अंडर डैश द बॉक्स एंड इन. इन द माउस इज इन द बॉक्स, मतलब माउस चूहा बॉक्स में अंदर है. चूहा बॉक्स में है ना? यस मैम, चूहा बॉक्स में है. फिर द बॉय इज हाइडिंग द बेड. तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया. हाँ बच्चों, यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में.